वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस एग्रीकल्चर के 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर। इंडियाज डैश पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो दो तिहाई जो पॉपुलेशन है वो किसमें है? एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, सबसे पुरानी फार्मिंग कौन सी है? प्रिमिटिव। नाम से ही पता चल रहा है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। नेक्स्ट, डैश इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, बहुत छोटे छोटे लैंड पे, बहुत छोटे छोटे एरिया पे करी जाती है विद प्रिमिटिव टूल। किस तरह की फार्मिंग है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, इस तरह की जो फार्मिंग है पूरी तरह से बारिश पे निर्भर करती है, मानसून पे। तो ये कौन सी है? प्रिमिटिव, पुरानी वाली, क्योंकि उसमें जो ट्यूबवेल वगैरह ये सब यूज नहीं होती। Which of the following is not correct about plantation farming के बारे में, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? So right है, farmers clear a patch of land by falling trees and burning them। ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि ये वाली बात होती है slash and burn farming में। ठीक है, next, which of the following are plantation crops, कौन सी हैं? Plantation crops हैं tea, coffee, banana and sugar cane। Next, द थ्री मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉपिंग सीजन कौन से हैं? राबी, खारीफ एंड जैद। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। आई होप कि आपने लाइक कर दिया है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सारे एमसीक्यूज आपको यही मिलने वाले हैं हर चैप्टर के, हर क्लास के। नेक्स्ट, राबी क्रॉप्स आर, जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो कब बोई जाती हैं? सोन इन विंटर, विंटर में बोई जाती है, और हार्वेस्ट समर में काटी जाती है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, जो खरीफ क्रॉप्स हैं जैसे ही बारिश शुरू होती है, मानसून शुरू होता है, बो दी जाती है और हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज, खरीफ सीजन का जो मेन फूड क्रॉप क्या है? राइस। द मेन फूड क्रॉप ऑफ राबी सीजन इज, राबी सीजन का जो मेन फूड है वो क्या है? वीट। अ शॉर्ट सेशन सीजन बिटवीन राबी एंड खरीफ के जो बीच में जो सीजन आता है उसे क्या कहते हैं? जायद। इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो इंपॉर्टेंट है लेकिन फूड नहीं है, वो क्या है? कॉटन और जूट। विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, आपको पता है साउथ में और ईस्ट में राइस बहुत खाया जाता है। द टू मेन वीट ग्रोइंग regions, जो वीट गेहूं उगाने वाले regions हैं, द गंगा सतलुज प्लेन्स एंड डेकन ट्रैप। ठीक है, ये है। वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल, वीट गेहूं को कितनी रेनफॉल की जरूरत पड़ती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, थर्ड क्या है? पहली है, एक है वीट है, एक है राइस, तीसरी है ज्वार। Which state is the largest producer of bajra? तो बाजरे दा सिटा राजस्थान। Which is the right condition for the growth of maize? Maize means होता है मक्का। Temperature between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius. Which of the following crop is a major source of protein? तो protein किससे मिलता है? Pulses, दालों से। Which one of the following is not true for pulses के बारे में, कौन सी बात सही नहीं है? ये वाली बात सही नहीं है, pulses require intensive irrigation, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। Which is the ideal condition for the growth of sugar cane, गन्ने के लिए क्या है चाहिए? 21 to 27 degree Celsius चाहिए temperature and annual rainfall चाहिए 75 centimeter से 100 centimeter. What percentage of our cropped area is covered by oil seeds? Oil seeds क्या है? जैसे mustard seed है ना, 12% area जो है घिरा हुआ है इससे। Which crop of the following conditions can spoil tea crop? जो चाय की जो फसल है उसे कौन सी चीज खराब कर सकती है? ये चीज, clay soil which has high water holding capacity। अगर clay soil लगा दी जाए, clay soil में लगाई दी जाए जिसमें पानी बहुत टाइम तक रुका रहता है, तो वो खराब कर सकती है किसको? चाय की फसल को। कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कॉफी कल्टीवेशन कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले? बाबा बुदान हिल्स में। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, का मतलब कार, गाड़ी, ट्रक, ये सब, तो क्या है? रबर, क्योंकि टायर बनते हैं इससे. रेयरिंग ऑफ सिल्क, आप सिल्क से, सिल्क सिल्क जो कीड़े होते हैं उनसे सिल्क बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, क्योंकि वो गोल्ड कलर का होता है ना, गोल्डन गोल्डन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन, एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे लगाया जाता है, इसे कहते हैं प्लांटेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, इनमें से राबी क्रॉप कौन सी है? मिलेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस, जब भी लेग्यूमिनस वर्ड आ जाए समझ लेना दाल की बात हो रही है, पल्सेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ, किस तरह की है ये? कमर्शियल है, ठीक है. ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंजेस, अब देख रहे हो कई सालों से जो फार्मिंग के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसी तरह से तरीके भी बदलते जा रहे हैं. फार्मिंग हैज वेरिड फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू डैश, जो फार्मिंग है उसके कई तरीके हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव से लेके और कमर्शियल तक. वॉट हैज बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग मेनली किस पर डिपेंड करती है? बारिश पे, मानसून पर. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ डैश फार्मिंग, कैसी है? लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर बहुत चाहिए होता है. विच टाइप ऑफ फार्मिंग हैज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट, जैसे HYV सीड्स भी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए कमर्शियल के अंदर. इफ राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, इन विच स्टेट इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप है ये? उड़ीसा की राइस, ठीक है. वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा लेबर लगती है और बड़े लेवल पे. नेम इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है? टी, कॉफी, रबर, ये सब है. विच स्टेट इज नोन एज ग्रोइंग टी, तो टी आसाम जाना जाता है टी को उगाने के लिए. हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन डज इंडिया हैव, इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीजन है? तीन, कौन कौन से? रबी, खरीफ और जायद. Which states are known for their success in green revolution? तो green revolution के लिए पंजाब और हरियाणा जाने जाते हैं, हमें ऑप्शन में मिला है पंजाब. Name one crop grown in जायद season में, कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा. बाजरे दा सेटा. Name a crop grown in जायद season में, कौन सी crop है? Watermelon, तरबूज. Which crops come under the classification of millets? कौन सी क्रॉप मिलेट्स में आती है? और वो आती है ज्वार और बाजरा. मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर रिच इन, उनके अंदर आयरन और कैल्शियम बहुत होता है. लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन डस इंडिया है? 4, 2, 5 या 3, कितने सीजन है? मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले. आई होप मेरी ये 10 मिनट से भी कम की वीडियो जिसमें हमने 50 एमसीक्यू कर लिया आपको मजा आ गया होगा, ठीक है. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो यार. टेलीग्राम लिंक मैंने इसमें दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.